नमस्कार, क्वाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। आज हम बात करेंगे रूबी स्टोन के बारे में, माणिक चक्र के बारे में। ज्यादातर देखा गया है कि जब भी ये आपके चार्ट में बताया जाता है कि आपका सूर्य सन ठीक नहीं है, तो ज्यादातर ज्योतिष शास्त्र को व्यवहार करने वाले ज्योतिषी की बात कर रहा हूं मैं, ये कहते हैं कि आप एक रूबी पहन लीजिए। जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि जब हम कहते हैं कि एक ग्रह आपके लिए खराब है, इसका मतलब ये है कि उस ग्रह की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए खराब हो गई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आपने सब्जी बनाई है, उसमें नमक ज्यादा पड़ गया है तो सब्जी खराब हो गई है। आपने चाय बनाई है, एक चम्मच चाय पत्ती की जगह तीन पत्ती चाय का गुहन पड़ गया है तो चाय खराब हो गई है। तो यदि कोई ग्रह खराब है, इसका मतलब इस तरह से समझेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे कि वो ग्रह ज्यादा प्रबल है तो इसलिए आपको खराब हो गया है। सन ज्यादा प्रबल हो जाए तो पावर सत्ता की तरह आदमी अंधे की तरह दौड़ता है और उसके सामने दुनिया के किसी भी व्यक्ति को चीज को वो ध्यान देता नहीं है, ना महत्व देता है। उसके लिए सत्ता ही सब कुछ होता है, पावर ही सब कुछ होता है, अपने अहंकार में ही वो घूमता रहता है। तो ऐसे आदमी को यदि आप रूबी पहना देंगे तो उसका जो ईगो है, अहंकार है, उसमें जो उसका जो आत्म केंद्रित होने का जो एटीट्यूड है, उसमें वो बुद्धि हो जाएगी और वो ज्यादा पराक्रमी होने की कोशिश करेगा, उसमें ज्यादा उत्तेजना पैदा हो जाएगी और अपना जो उसका घमंड है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सूर्य को शांत करने के बजाय ये सूर्य को और उत्तेजित कर देगा, जिससे आपकी हानि हो सकती है। दूसरी बात, रूबी जितने ही मार्केट में मिलते हैं ये 99.9% ये बनाए हुए होते हैं, जो कि बैंकॉक से अलग अलग देशों से बन के आते हैं। तो बनाए हुए स्टोन में जो केमिकल्स होने चाहिए, एक तो वो केमिकल्स होते नहीं है। इसका मतलब ये रूबी दिखता तो है रूबी की जैसा, लेकिन रूबी होता नहीं है। रूबी में होना चाहिए आपके सफेद होने चाहिए और क्रोमियम की मात्रा होनी चाहिए। क्रोमियम मात्रा होने से क्रोमियम एक दवाई के रूप में काम करता है डायबिटीज के लिए। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य जो है आपका मणिपुर चक्र में यहाँ इसका स्थान है, तो यदि यहाँ पैनक्रियाज वगैरह जो है वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको डायबिटीज हो सकता है। तो कहते हैं कि रूबी पहनेंगे तो फायदा होगा, लेकिन रूबी असली हो तब ना। रूबी या माणिक्य जो है ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं जेमस्टोन्स वगैरह। तो साधारण तो लोग तो इस प्रकार के महंगी चीजों को खरीद नहीं सकते हैं। तो साधारण जन करे क्या, मैं कहता हूं कि आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए होता है। यदि आपके सूर्य चार्ट में अच्छे नहीं है तो ये अच्छा कर देगा। यदि आपके चार्ट में सूर्य अस्त मतलब ताकत ही नहीं है, डेबिलिटेशन में है, या सूर्य में और कोई दोष है तो उसको भी ठीक कर देगा। तो रुद्राक्ष तो ऐसे है कि एक ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर और बैलेंसर जैसे काम करता है। तो मैं हरदम कहता हूं कि हो सके तो कोशिश कीजिए कि रुद्राक्ष को प्राथमिकता दें, इम्पोर्टेंस दें जेमस्टोन के मुकाबले में, स्पेशली फॉर सूर्य के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए, मंगल के लिए। मैं हरदम रिकमेंड करता हूं कि आप रुद्राक्ष का आश्रय लीजिए, वह आपके लिए सेफ रहेगा। और जिस खर्चे में आप रूबी खरीदना चाहते हैं, जितना खर्चा करके, उसमें तो आपको नकली रूबी ही मिलने वाला है, माणिक्य मिलने वाला है। तो कोई फायदा नहीं है इतना पैसा खर्च करके, और जितना पैसा खर्च भी करते हैं व्यर्थ खर्चा होता है, और आप गलत चीज पहन लेते हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। उसके बजाय आप सेफली रुद्राक्ष पहनिए। देखिए रुद्राक्ष जो है आपको 12 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष भी काम करता है सूर्य का, लेकिन 3 मुखी और 12 मुखी फर्क ये होता है, दोनों सूर्यों के लिए है, लेकिन फर्क ये होता है कि 3 मुखी रुद्राक्ष जो है आपके इनडाइजेशन है, गैस है, फ्लोटुलेंस है, बदहजमी का शिकार है, तो इसमें आपको मदद करता है 3 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा यश शक्ति इसमें काम आता है। तो आप चाहें तो 3 मुखी और 12 मुखी दोनों को जोड़ के पहन सकते हैं, या 12 मुखी पहनेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रुद्राक्ष खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं www.whitelotusspirituality.com। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा। वीडियो देखने के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं।
वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।